उद्बोधन के लिए मैं हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सतीश पाटले को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे छात्र छात्राओं को दो शब्द अपने आशीर्वचन के रूप में कहें। भाई सतीश पाटले, बाकी 18 दिसंबर जैसे कि आप सभी जानते हैं, 18 दिसंबर के दिन पूरे छात्रवासी छात्र छात्राओं के द्वारा कठिन मेहनत करके यह आयोजन किया जाता है, जिससे बाबा जी के जो आंदोलन था, लोगों में समानता समानता की जो भावना है उसे पहुंचाने के लिए उसे आयोजित कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर रतनलाल डांगी जी और हमारे बिलासपुर रेंज के आईजी डांगी सर, इंदु अनंत जी, नरेश साहू जी और इसके अलावा मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। यह कार्यक्रम सालों से छात्रावास छात्र छात्राओं जो SC ST के छात्रावास में अध्ययनरत हैं उन सभी के सहयोग से मेहनत से यह कार्यक्रम लगातार अच्छे से अच्छे ढंग से किया जा रहा है। चूंकि यहाँ इन दोनों समाज के शिक्षित वर्ग हमारे सामने उपस्थित हैं, उन्हें एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है, जिससे वह आगे आपकी प्रेरणा से आपके ज्ञान से उसको स्वीकार कर समाज को एक अच्छी दिशा देंगे और समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इसी उम्मीद से हम यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं और समाज को जो अच्छी दिशा दे रहे हैं ऐसे सम्मानित लोगों को बुलाकर उनको एक मार्गदर्शन देने का ही हमारा प्रयास इसमें रहता है। मैं एक संक्षिप्त अपने विचार रखकर आगे वक्ताओं को यहाँ आमंत्रित करेंगे। एक चीज आप हमेशा देखते होंगे, सुनते होंगे, खासकर फिल्मों में एक लाइन बोली जाती है कि मर्द अपने माँ के पेट से पैदा होता है। ये चीज आप हमेशा सुनते होंगे और इस डायलॉग को, इस स्टोरी को लिखने से पहले मुझे नहीं लगता कि जो राइटर है वो भी सोचता होगा कि उसका मंशा है क्या। मैं एक संक्षिप्त जो महसूस किया उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस डायलॉग के पीछे आखिर बात क्या है। ऐसा हमारे क्लाइमेट में, हमारे समाज में भर कर रखा गया है कि जो क्वालिटीफुल लोग हैं वो माँ के पेट से पैदा लेंगे, वो जन्मजात होंगे। ये आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, इस शब्द को चैलेंज करना कि क्वालिटी जन्मजात होती है। ऐसा नहीं है, क्वालिटी जन्मजात कभी नहीं हो सकती, वह अपने कर्मों से, अपने अच्छे लोगों के मार्गदर्शन से, संघर्ष से जाकर आप श्रेष्ठ बनते हैं। तो आपको जो जन्मजात की टेग लगी है वो सबसे बड़ा आपके सक्सेस में बाधा है, उसे आपको तोड़ना है और यही एक SC ST समाज होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टेग को तोड़ें और आगे बढ़ें। चीज़ें जन्मजात नहीं होती, चीज़ें संघर्ष करके हासिल की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद। बोधित किया, निश्चित ही इससे सभी छात्र छात्राएं प्रेरणा लेंगे और अपना कर्म करने में 100% देंगे। विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सीनियर आदरणीय मनहर सर को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मनहर सर आप आएंगे और हमारे बच्चों को आशीर्वचन से उद्बोधित करेंगे। गुरु घासीदास बाबा की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रतनलाल डांगी सर, प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री प्रोफेसर रतनलाल जी, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर गुंदुवनन जी, मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण,
आदरणीय आयोजकगण, मेरे प्यारे छात्रवासी छात्र एवं बंधुओं, मैं भी इस छात्र से नहीं, मैं रायगढ़ छात्रवास से अध्ययनरत करने के बाद आगे बढ़ा हूँ। छात्रवासी छात्राओं में जो एक भावना होती है, जो ओजस्व होता है, इस बात को मैं महसूस कर सकता, क्योंकि हम लोगों में ऐसा कोई धर्मशाला नहीं है या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे हम एकजुट होकर किसी भी प्रकार के कोई आयोजन कर सकें। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं और ये आशा करता हूं, ये जो विचार की क्रांति है जो आपके मन में उत्पन्न हुई है, ये क्रांति समाज को, देश को आगे बढ़ाएंगे और उस क्रांति को समाज के विकास में आप लोग उसका उपयोग करेंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो भाई बहन रहते हैं, जिनको न तो गुरु घासीदास जी के बारे में मालूम है, न बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मालूम है, न समाज के बारे में मालूम है, इसलिए क्योंकि गुरु घासीदास जी के बारे में उनकी जो सोच है, जो विचार है, केवल मौखिक है। हम लोग जो भी जानते हैं, जो सुनते हैं, केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर आधारित है, क्योंकि उस समय न तो हमारे पास शिक्षा के अधिकार था, न ही संपत्ति रखने का अधिकार था, यहाँ तक कि समाज में हम लोग सही ढंग से चलने फिरने, अच्छे वस्त्र पहनने का भी अधिकार नहीं था। ये सभी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही प्रदान किया गया है, और उसी के आगे के बाद में ये जो विचार क्रांति है आपके पास में जो आया है, ये बाबा साहब की ही देन है। मैं ये चाहूँगा गुरु घासीदास के जो आदर्श हैं उनको लेकर, और गुरु और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात करते हुए समाज में दिनों दिन लगातार प्रगति करें, यही मेरा विचार है। धन्यवाद।